हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ की ये वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर की, और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। और यहाँ पर ये एग्ज़ाम होगा, कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या आपकी सैलरी रहेगी, कितनी पोस्ट है, कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, वो कम्प्लीट डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा, जिसकी वेबसाइट KGMU वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहाँ से इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, जिसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। और यहाँ पर जो आपका पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर आपका पेपर होगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो आपका पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, डिटेल फिल करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है और पेमेंट करना है, और विदाउट प्रिंट आउट द सबमिटेड एप्लीकेशन। और यहाँ पर सब एप्लीकेशन सबमिट किया है उसका प्रिंट आउट आपको लेना है। तो ये यहाँ पर इसका प्रोसेस रहेगा। वेबसाइट की बात करें तो www.kgmu.org.in पर आपको अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट की। तो यहाँ पर टोटल 1276 पोस्ट है और पे मैट्रिक्स लेवल 7 CPC है, यानी आपकी सैलरी रहेगी यहाँ पर एक एम्स के बराबर यहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है। और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट दी हुई है। SC की है यहाँ पर 268, ST की 26, OBC 344, EWS 128 और अनरिजर्व की 510 पोस्ट। यानी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 1276 यहाँ पर पोस्ट है। यह है जनरल रिक्रूटमेंट, और यहाँ पर एक सेकंड रिक्रूटमेंट और बैकलॉग रिक्रूटमेंट, जिसके अंदर यहाँ पर 15 पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी की 510 पोस्ट है, उसके अंदर आउट ऑफ यूपी कैंडिडेट्स है वो 510 कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर यहाँ पर लिए जाएंगे, और ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट पेमेंट की बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की 1100 C, EWS OBC की 1100 C और SC ST PWD की 708 रुपये यहाँ पर आपकी फ़ीस रहेगी, फॉरम फ़ीस। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, कुछ एज रिलैक्सेशंस भी यहाँ पर दिया हुआ है कुछ कंडीशंस के अंदर। और नेक्स्ट यहाँ पर एडमिट कार्ड जैसे आएंगे वो आपको वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए जाएंगे, और इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, रिटन टेस्ट होगा, और एज लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने अपनी कैटेगरी वाइज़ यहाँ पर एज लिमिट दी हुई है, और रिजर्वेशन भी दिया हुआ है कैटेगरी वाइज़। नेक्स्ट बात करते हैं असेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जिसके अंदर आपके पास BSc नर्सिंग है के साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, किसी भी स्टेट के अंदर यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपने डिप्लोमा या GNM कर रखा है तो आपके पास यहाँ पर 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए 50-bedded हॉस्पिटल के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं बैकलॉग रिक्रूटमेंट की भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर फीस भी यहाँ पर 1600 दी हुई है यहाँ पर, और एज रिलैक्सेशंस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और वेबसाइट की बात करें तो www.kgmu.org.in पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हॉल टिकट या जो आपका परमिशन लेटर है वो CBT एग्ज़ाम होगा, और वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है, और यहाँ पर सलेक्शन होगा वो ओनली एग्ज़ाम बेसिस के ऊपर होगा। सलेबस की बात करें तो यहाँ पर 100 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर होगा, 1/3 नेगेटिव होगी, और यहाँ पर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे 60, इसके अलावा जनरल इंग्लिश के 10 और रीजनिंग 10, जनरल नॉलेज के 10 और मैथमेटिक एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पर आपका सिलेबस भी दिया हुआ है इसके अंदर, और फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर होगी एग्ज़ाम के बाद। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर 50% होगा अनरिजर्व के लिए, और EWS OBC के लिए 45%, और SC ST कैंडिडेट्स के लिए एंड बैकलॉग रिक्रूटमेंट के लिए 50% फॉर OBC एंड 45% फॉर SC कैंडिडेट्स। यहाँ पर रिजल्ट होगा वो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। और इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज के रिगार्डिंग और हर एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू सो मच।